हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक्नोवेदांत चैनल। व्हाट्सएप में हम सब चैटिंग करते टाइम इमोजीज को यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप व्हाट्सएप में बिग साइज की इमोजीज को सेंड कर सकते हैं, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं जिसे फॉलो करके भी आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आप ये जो बेल के आइकॉन को देख रहे हैं इसको ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये एप्लीकेशन आपको कहां से डाउनलोड करनी है और इसका क्या नाम है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बता देता हूं। सबसे पहले आप ये जो कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ऊपर थ्री लाइंस देख रहे हैं, आपने यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस मिलेगी, प्रीमियम वर्जन और मेन है सेटिंग्स। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेज करना चाहते हैं तो 70 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट्स बंद हो जाएगी और एक टाइम में आप 10 स्माइलीज को सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप प्रीमियम वर्जन परचेज करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ से जब आप सेटिंग्स पे आएंगे तो सेटिंग्स में भी इतना कुछ मेजर ऑप्शंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एनेबल करना है, शॉर्टकट आपको फ्लोटिंग आइकॉन रखना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि अभी ऑटो में है। अभी ये जो शॉर्टकट फ्लोटिंग आइकॉन है मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसमें जितनी सारी इमोजीज आपको मिलेगी उन सबके साइज काफ़ी बड़े हैं और ये जितनी भी सारी इमोजीज है आप इसे व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हैं, फेसबुक में भी सेंड कर सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने जीमेल अकाउंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। आप जिस भी मैसेज एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना चाहते हैं आपको डायरेक्ट वो ओपन करनी है। अभी जैसे मैं आपके सामने व्हाट्सएप ओपन करूंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर चुका हूं और यहाँ पे आप ये जो एक छोटी सी स्माइली देख रहे हैं आपने सिर्फ इसमें टैप करना है और टैप करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन में ले जाएगा जिससे आप अपनी स्माइलीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इस आइकॉन पे प्रेस करा ये वापस आपको एप्लीकेशन में लेके आ गया। जो भी आपको पसंद है, जैसा भी आपका मूड है, आप वो इमोजी को सेंड कर सकते हैं और वो भी बिग साइज में। मैं अभी यहाँ पे आपको ये वाली हार्ट वाली करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे ये देखिए, जैसे मैंने बताया था आप इसे फेसबुक में, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, जीमेल अकाउंट और नॉर्मल जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उसमें भी सेंड कर सकते हैं। आप ये जो ऊपर कलर्स की ऑप्शन देख रहे हैं इनको सिलेक्ट करके आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे लेफ्ट साइड ड्रैग करके भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो तो आप ये फर्स्ट वाले बटन पे टैप कर दीजिए या तो फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपने ये इमोजी किसको सेंड करनी है। मैं अभी आपके सामने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं टेक्नोवेदांत को टिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से सेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका साइज़ कितना बड़ा आ रहा है। अभी मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ इसको और ये देखिए इमोजी यहाँ से सेंड हो चुकी है। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप फेसबुक में भी कर सकते हैं और ईमेल में भी कर सकते हैं। मैं भी आपको एक ईमेल का भी डेमो देता हूँ। अब मैं आपको जीमेल में सेंड करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा वे है, आपने किसी भी बिग इमोजी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस आ रही है वहाँ से आपने जीमेल या आपका ईमेल जो भी नीचे ऑप्शंस होगी आपने उस पर टैप करना है। अभी मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करूँगा और यहाँ से मैं इसको टैप करूँगा जीमेल को। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है टेक्नोवेदांत और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आप कितना इजी हो चुका है। जब आप चैटिंग कर रहे हो और अपने मूड को एक्सप्रेस करना है किसी के सामने तो आप यहाँ से बिग साइज की इमोजी को सेंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है बिग इमोजीज। फ्रेंड्स, इस नाम से काफ़ी सारी एप्लीकेशन है पर आपने इस आइकॉन को ज़रूर याद रखना है। ये जो फर्स्ट लिंक शो कर रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल बटन पे टैप करिए। आप देख रहे हैं इसके 500,000 डाउनलोड्स है, 4.2 की रेटिंग है। यहाँ पे नीचे मैसेज भी लिखा हुआ है कि आप फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप में बिग साइज की इमोजीज को सेंड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे तो रीड मोर पे क्लिक करके आप और रीड कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट 2,000 बिग इमोजीज है। ये देखिए नीचे मैसेज है, आप ये पिक्चर्स पे क्लिक करके थोड़ी और डिटेल जान सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसको आपने अलाउ करना है। आपको परमिशन देनी होगी तभी ये एप्लीकेशन वर्क करेगी, नहीं तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये देखिए इसकी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। वेलकम स्क्रीन आने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगी। ये ऑप्शन से आपको कॉन्फिगर करना है अपनी सेटिंग्स को। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रही है एनेबल शो फ्लोटिंग आइकॉन, यहाँ से आप इसको एनेबल करेंगे।
एनेबल करने के बाद आपको यहाँ से परमिशन देनी है, आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन पे प्रेस करने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं बिग इमोजी फ्लोटिंग आइकॉन, यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ से इसको आपने एनेबल करना है, देन ओके। बैक करके आपको वापस अपनी एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे देख रहे हैं आप सेटअप इन ऑल मैसेजेस ऐप, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर जितने भी मैसेजेस ऐप है वो यहाँ पे शो करेंगे। आप चाहे तो मैनुअली उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ऑल मैसेजेस आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऑल मैसेजेस पे टिक कर दिया। अब जिस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा वहां से मैं इजिली इमोजीज को सेंड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस आइकॉन को डिसेबल करना चाहते हैं आपने इसे सिर्फ होल्ड करना है और ड्रैग करके नीचे डस्टबिन में लाके छोड़ देना है। अब आपको वो इमोजी वाला फंक्शन डिसेबल हो चुका है। अगर आप फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वापस आपको एप्लीकेशन में आना है और ऊपर ये जो आप टॉप में आइकॉन देख रहे हैं यहाँ पे टैप करने के बाद इसको यहाँ से ऑल मैसेजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी सिंपल और कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करके जरूर यूज करिए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।